दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टाई हुआ मैच, फिर भी 1-0 से जीता भारत। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ कर जीत लिया सभी का दिल। जी हां दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को जीत मिल चुकी है, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग ने एक ऐसा दिल जीत देने वाला बयान दिया है जो आपके भी दिल को छू लेगा। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच आज कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस बीच मैच में भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले भी गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 50 ओवर में 230 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। तो वहीं इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम ने तेजी से लक्ष्य का पीछा किया और रोहित शर्मा 58 रनों की तूफानी पारी खेलने के बाद आउट हो गए। ऐसे में भारतीय टीम के लगातार 3 विकेट गिर गए, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर इस लक्ष्य को अपने नाम कर लिया। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में बुरी तरह से हरा दिया है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने एक बार फिर से सभी को प्रभावित किया है और बता दें कि ये टीम क्यों वर्ल्ड चैंपियन है। हालांकि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनी है और वनडे वर्ल्ड कप को भी नहीं जीत पाई थी, लेकिन भारतीय टीम का वनडे वर्ल्ड कप का सफर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार था और उसी तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन लय के साथ सभी को प्रभावित किया और भारतीय टीम श्रीलंका की टीम के खिलाफ पहले मैच को जीत गई। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम से मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज भी भारतीय टीम पूरी तरीके से क्लीन स्वीप कर जीतेगी। तो वहीं सचिन तेंदुलकर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। इस समय जिस प्रकार से भारतीय टीम के लिए वनडे सीरीज के पहले मैच में खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, वो वास्तव में आज सम्मानजनक योग्य है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच को जीत गई है और इस मैच में भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिन्होंने अपनी कप्तानी के साथ कप्तानी पारी की जगह सभी को प्रभावित किया है। ऐसा मुझे लगता है कि भारतीय टीम अगर इसी तरीके से आगे बेहतर प्रदर्शन करती रही तो शायद भारतीय टीम को श्रीलंका की टीम के खिलाफ इस सीरीज में अब तक की सबसे बड़ी जीत भी मिल सकती है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। इस समय भारत की तरफ से कोई भी एक या दो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा है, बल्कि पूरी टीम अपनी तरफ से अब जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी पारी के जरिए टीम को मजबूत शुरुआत दिलवाई, जिसके चलते भारतीय टीम इस लक्ष्य का पीछा करने में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करती हुई दिखाई दी और भारतीय टीम इस मैच को आसानी से अपने नाम कर चुकी है, जिसमें भारतीय टीम की तरफ से जीत के असली हीरो भारतीय विश्व विजेता कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि भारतीय टीम को इस T20 सीरीज के अंदर शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है और अब भारतीय टीम वनडे सीरीज खेल रही है, जिसके लिए सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया है। आज के दिन भारतीय टीम के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को बता दिया है कि वो टीम के कप्तान हैं और सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि कप्तान रोहित शर्मा अगर इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहे तो शायद भारतीय टीम को आगे समय में हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये टीम अपने प्रदर्शन के जरिए पूरी दुनिया को काफी ज्यादा प्रभावित भी कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज के समापन के बाद वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच आज कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस मैच में आज भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 230 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाने के बाद 50 ओवर में रोक दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए आई भारतीय टीम ने तेजी से बल्लेबाजी की और इस लक्ष्य का पीछा करने का प्रयास किया। हालांकि भारतीय टीम ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य को अपने नाम लगभग कर लिया था, लेकिन अंत में भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते हुए चले गए और अब भारतीय टीम 47.5 ओवर में ऑल आउट 230 रन पर हो गई, जिसके चलते मैच टाई हो गया। ऐसे में मैच के टाई होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा जब प्रोटेक्शन सेरेमनी के दौरान अवार्ड लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने अवार्ड हासिल करने के बाद श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका को अपना अवार्ड समर्पित कर दिया। हालांकि रोहित शर्मा के अवार्ड समर्पित करने के बाद हर कोई इच्छुक कि रोहित शर्मा ने ऐसा क्यों किया। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपने अपना अवार्ड विरोधी टीम के कप्तान को क्यों दिया, तो इसके पीछे का खुलासा करते हुए रोहित शर्मा ने बड़ा बयान जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है
कि आज के दिन भारतीय टीम को बड़ी जीत मिलनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय टीम इस मैच को जीत नहीं पाई है। हालांकि इस मैच में हमारी टीम को जीत नहीं मिली और ना ही हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन मुझे इस मैच में ये टाई गेम एक बेहतर सबक के तौर पर दिखाई दिया है जिसको मैं कभी भी नहीं भूलना चाहता हूं। ऐसे में इस मैच के अंदर अगर किसी खिलाड़ी के चलते भारतीय टीम को जीत नहीं मिली है तो उसे खिलाड़ी का सम्मान करना विरोधी कप्तान होने के नाते बेहद जरूरी है। ऐसे में आज अगर हमारी टीम को जीत नहीं मिली है तो उसके पीछे की असली वजह श्रीलंकाई टीम के कप्तान चरित असलंका है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि इन्होंने अपनी कप्तानी के जरिए आज गेंदबाजों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। हालांकि वो अपनी बल्लेबाजी से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कंडीशन को समझा और बेहतर तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, साथ में खुद कप्तान के तौर पर आगे जाकर टीम को मजबूती के साथ जीत दिलाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए, वो बताता है कि ये खिलाड़ी श्रीलंका टीम के लिए क्यों जरूरी है। भारतीय टीम के खिलाफ श्रीलंका बेशक इस मैच को नहीं जीती है, लेकिन मेरे लिए श्रीलंका ने जीतने वाला कार्य कर दिया है क्योंकि उनके पास इस मैच को जीतने का मौका नहीं था। ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं सम्मान के तौर पर उन्हें अवार्ड अपना देना चाहता हूं क्योंकि इसके असली हकदार श्रीलंका के कप्तान हैं। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के इस दिल जीत लेने वाले मोमेंट को देख आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। कोलंबो के मैदान पर खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 50 ओवर में 230 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। हालांकि इसका पीछा करने के लिए मैदान पर आई भारतीय टीम ने ताबड़तोड़ शुरुआत की, जिसमें रोहित शर्मा ने 58 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को भारत ने जीत लिया। ऐसे में भारतीय टीम की जीत के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ जहर उकला है, जिसमें कप्तान असलंका ने बयान देते हुए कहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को मिली जीत ऐसी जीत मिल चुकी है जिसमें पहले मैच के अंदर मिली हार के बाद मैं काफी ज्यादा निराश हूं। मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से कुछ खिलाड़ियों की काफी ज्यादा गलतियां देखने को मिली थी, जिसके चलते हमारी टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम इस मैच को अपने बेहतर प्रदर्शन के चलते नहीं जीती है, बल्कि इस मैच को भारतीय टीम एम्पायर के पक्षपात के चलते किस्मत के सहारे पहले मैच की जीत मिली है, लेकिन भारतीय टीम ज्यादा खुश ना हो क्योंकि हम भारतीय टीम को दूसरे और तीसरे मैच में बुरी तरह से हराकर बतला जरूर लेंगे। तो वहीं दुनित वेलालागे ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका की हमारी टीम के खिलाफ पहले मैच में जीत मिल गई है। हालांकि इस मैच में मैंने अपनी दूसरी टीम की तरफ से जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश की थी, परंतु इस मैच के अंदर हमारी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिसके चलते हमारी टीम दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मैच में भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ऐसे में भारतीय टीम इस मैच में जीत के बाद काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही है, लेकिन अभी दो मैच बाकी हैं, ऐसे में हमारी टीम दोनों में जीत दर्ज कर भारत से बदला जरूर लेगी। तो वहीं सदीरा समर विक्रमा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका की हमारी टीम के खिलाफ पहले मैच में दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन भारतीय टीम फिर भी बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते इस मैच को जीत गई, परंतु भारतीय टीम अब काफी ज्यादा अपने आप में खुशी महसूस ना करे क्योंकि सिर्फ भारतीय टीम को पहले मैच में जीत दर्ज का मौका मिला है, अभी भी दो मैच बाकी हैं। ऐसे में इन दोनों मैचों में हमारी टीम तो बेहतर प्रदर्शन कर ही सकती है और बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ ही हमारी टीम भारत को बुरी तरह से परेशान करने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम सीरीज के पहले मैच को जीत गई है, लेकिन हमारी टीम अब दोनों मैच में जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं कुशल मेंडिस ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को श्रीलंका की हमारी टीम के खिलाफ पहले मैच में इस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन भारतीय टीम इस सीरीज के पहले मैच को बेहतर तरीके से जीत गई है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय टीम पहले मैच को तो जीत गई है, लेकिन अभी बाकी के दो मैच में भारतीय टीम का पहला मैच की तरह बेहतर प्रदर्शन देखने को नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास में काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं और मुझे लगता है कि भारतीय टीम के इन खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन दूसरे और तीसरे मैच में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी टीम भारत की कमजोरी समझ गई है, जिसके चलते हम जीत दर्ज करेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है श्रीलंका की टीम की इस मैच में हार का सबसे बड़ा कारण क्या रहा है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को शानदार तरीके से जीत मिल चुकी है। आपको बता दें, कोलंबो के मैदान पर भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 50 ओवर के अंदर 230 रन 8 विकेट के नुकसान पर रोक दिया था। हालांकि इसका पीछा करने के लिए जैसे भारतीय टीम मैदान पर आई तो वही भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा ने काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपने अर्धशतक के दम पर टीम को तेज शुरुआत दिलाई और भारतीय टीम इस मैच को जीत गई।
ऐसे में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद में दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिकी पोंटिंग ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिल चुकी है। यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया है।